मतलब बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास जी। सर, अगर बात करें तो नया मंत्रालय का जिम्मा आपको सौंपा गया है, लेकिन मंत्रालय पहले से घाटे में चल रहा है, इसको उभारेंगे कैसे घाटे से? देखिए, परिवहन मंत्रालय तो घाटे में नहीं है, मगर परिवहन निगम घाटे में है। और परिवहन निगम जब उत्तर प्रदेश से आया तो पहले से ही घाटे में आया, और बसों का जो बेड़ा था वो पुराने थे, और इसलिए वो घाटा हम अभी नहीं पाट सके। मगर बहुत प्रयास किया है घाटा पाटने में, मगर जो कोरोना का कार्यकाल रहा उससे परिवहन निगम वास्तव में बहुत घाटे में रहा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो परिवेश था हमारा, उसमें 105 करोड़ रुपया उन्होंने इस बार दिया है, कुछ पैसा पहले दिया है। आज परिवहन निगम ज़्यादा घाटे में नहीं है, मात्र 100 करोड़ के घाटे में है। और हमारा प्रयास है कि हमारे पास 300 नई गाड़ियां हैं, हम कुछ और गाड़ियों में सीएनजी लगा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल बसों पर हम काम कर रहे हैं। हम उसका बेड़ा लगभग 500 गाड़ियों को बना रहे हैं, और जब 500 गाड़ियां हमारी सीएनजी और इलेक्ट्रिकल की हो जाएंगी तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे हमारा घाटा पूरा हो जाएगा। कुछ और संसाधन जुटाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, 3 महीने के अंदर 1 करोड़ का घाटा, जो हमारा 100 करोड़ का घाटा है, वो मैं पाटने का पूरा प्रयास करूँगा। सर, चूंकि अब चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, ऐसे में जो बसों के किराए उसके भी बढ़ाए जाने की चर्चा चल रही है, तो कोरोना के बाद पहली बार फुल फ्लेज में अगर बात करें तो यात्राएं शुरू होगी, तो यात्रियों को इससे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु उनको दिक्कतें भी होगी, तो क्या किराया आप लोग बढ़ाएंगे? यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है और लगातार डीजल की कीमत बढ़ने से विभाग का प्रस्ताव मेरे पास आ रहा था, मगर मैंने अभी जनता पर बोझ डालने का कोई वो नहीं है। और मुझे लगता है कि जनता ने जिस विश्वास से भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत दिया, उस पर तत्काल कोई बोझ डालने का कोई हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, जितनी भी होगी सुविधा देंगे। क्या यात्रा के बाद बढ़ाई जाएगी, यानी कि जब चार धाम की यात्रा खत्म हो जाएगी तब बढ़ाएंगे आप? मैंने स्पष्ट विभाग से कह दिया है कि आप संसाधन बढ़ाइए, किराया बढ़ाना कोई विकल्प नहीं। एक आखिरी सवाल है, सतपाल महाराज मंत्री बने हैं नए, उनकी मुलाकात हरीश रावत से हुई है, चूंकि दोनों धुर विरोधी माना जाते थे और सतपाल महाराज नाराजगी व्यक्त करके ही हरीश रावत से कांग्रेस पार्टी छोड़े थे, तो दोनों की मुलाकात हुई है, सियासी मायने कई निकाले जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सतपाल महाराज हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हरीश रावत जी भी उत्तराखंड की राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी जो मुलाकात है वो कटसी मुलाकात है, उसकी कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालने जाने चाहिए, क्योंकि उनके पास भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं सतपाल महाराज जी के पास, और तो उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका भी है। हो सकता है रावत जी से कोई सुझाव लेने गए होंगे, इसका कोई ऐसा अतिरिक्त राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं था। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। यह है चंदन राम दास, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री, जिनका कहना है कि चार धाम यात्रा के दौरान और इसके बाद भी किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, हालांकि विभाग की तरफ से प्रस्ताव आया है लेकिन साफ तौर पर इन्होंने मना कर दिया है। कमिश्नर सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।